नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज, आपके साथ मैं हूं आरती बेनिया। नगर पंचायत बिलाईगढ़ के इंदिरा मार्केट में अतिक्रमण हटाने का काम जारी है। इसी तारम में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने के दौरान वहां उपस्थित लोगों ने सीएमओ सुनील चौधरी के साथ मारपीट करते हुए पत्थरबाजी भी की। इस बीच तहसीलदार की गाड़ी आते देख जैसे तैसे गाड़ी में बैठे सीएमओ ने अपनी जान बचाई, वरना बड़ा अनहोनी हो सकता था। वहीं बता दें कि सीएमओ की माने तो उनके द्वारा शांतिपूर्वक अतिक्रमण हटाया जा रहा था। जैसे ही काम बंद हुआ, अचानक लोगों की भीड़ आई और उनके साथ एकाएक मारपीट शुरू कर दी गई। तो वहीं काम पर लगे कर्मचारियों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उग्र भीड़ ने कर्मचारियों के साथ भी मारपीट की। अब मामले की शिकायत थाना पहुंचा, जहां मामला करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का आवेदन दी है। बताया जा रहा है कि हमला करने वालों में मुख्य रूप से राम नारायण देवांगन, प्रदीप देवांगन भी शामिल है। मैं अतिक्रमण हटा रहा था, विधिवत कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात में शांतिपूर्वक कार्यवाही चल रहा था। जैसे ही हमने काम बंद किया, उसके बाद कुछ भीड़ आई मेरी तरफ और वो भीड़ जो है जनप्रतिनिधियों द्वारा ही लाया गया था। उसमें बाद में मुझसे मारपीट की गई, एक तरह से प्राणघातक हमला किया गया, पत्थर से मारा गया, सिर पे मारा गया और वहाँ से मैं भाग आया, वरना जान जाने की पूरी आशंका थी। मेरे कर्मचारी मेरे को वहाँ से बाहर निकाले, फिर भी बहुत चोट तो आई है सिर पे। और हमला करने वाले में प्रमुखता दिलीप दुबे जो पत्थर से मारे हैं, पार्षद पति हैं, राम नारायण भी थे पार्षद हैं, और प्रदीप बलराम क्लॉथ के जो भाई हैं उनके द्वारा प्रमुखता हमें तीन लोगों को पहचाना हूँ। वहाँ से नहीं भागते तो आपका क्या होता था, घटना क्या होता था? वहाँ पे जान जा सकती थी, जिस तरह से वो लोग प्लानिंग के साथ में आया था। कैसे भागे सर वहाँ से आप? मैं दौड़ते हुए आया, बीच में तहसीलदार मैडम को फ़ोन किए थे, तहसीलदार मैडम गाड़ी आ रही थी, गाड़ी में जाके जाने भी नहीं दे रहे थे, तो कर्मचारी लोग सब सामान को छोड़ करके वहाँ से फिर भगाए हैं। तहसीलदार मैडम गाड़ी पर बैठ कर आप वहाँ से भागे? और आपके ऑफिस से कौन कौन कर्मचारी को मारपीट किया वो लोग? मेरे ऑफिस से हमारे जो राजस्व अधिकारी हैं चंदेल जी, उनके साथ भी मारपीट की गई है। मैं तो अभी सबसे मिल नहीं पाया हूँ, लेकिन जो प्रथम मेरे को सूचना मिली है उसको चंदेल जी से भी मारपीट की गई है। उनको भी पुलिस के द्वारा बाहर से फिर निकाला गया। आपके कहाँ कहाँ पर गंभीर चोट आए सर? सिर पर ही चोट है, बाकी तो शरीर पर फर्क उतना नहीं पड़ेगा, लेकिन सिर पर जो चोट है वो प्राणघात हमला था क्या? चोट तो अच्छी खासी है, सिर के पीछे, मतलब पीछे पर मारा गया ऐसा? जहाँ मस्तिष्क होते हैं यहाँ जी। यहाँ पर डॉक्टर साहब भी आए थे आपको इलाज किए? डॉक्टर साहब ने अभी पेन किलर दिया है लाजर डी, और साथ में जो है सिटी स्कैन के लिए रेफर किया है। मतलब गंभीर चोट इसीलिए सिटी स्कैन के लिए गया? देखिए, सिर पे तो इंटरनल इंजरी गंभीर चोट होता ही है, कुछ थक्का हो गया, कुछ हो गया तो ऐसे भी प्राणघातक होता ही है। मुझे नगर पंचायत बिलाईगढ़ के कर्मचारी द्वारा मोबाइल के माध्यम से सूचना दी गई कि कुछ लोग वहाँ पे, जहाँ पे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो रही थी, वहाँ पे कुछ लोग भीड़ इकट्ठा करके सीएमओ साहब के साथ विवाद कर रहे हैं करके। तो फिर मैं तत्काल वहाँ पे पहुँची तो मैंने देखा कि सामने काफ़ी भीड़ थी और अचानक से भीड़ से सीएमओ साहब भागते हुए निकले और उनके पीछे बहुत सारी पब्लिक दौड़ रही थी। सीएमओ साहब मेरे पास आए गाड़ी में, तुरंत बैठे, बोले कि मैडम मुझे यहाँ से तुरंत यहाँ से ले जाइए ऐसे करके। तो मैंने तुरंत फिर गाड़ी टर्न किया और मैंने सीएमओ साहब को वहाँ से निकाल के गाड़ी में बिठा के फिर उनको आगे ले गई। कहाँ ले गई मैम आप वहाँ को? वहाँ से मैं बिलाईगढ़ से आगे ले गई थी, करीब 6 किलोमीटर मैं उनको दूर ले गई थी ताकि पब्लिक उनके पीछे ना आए करके। सीएमओ साहब ने रास्ते में आपको कुछ बताया होगा कि कोई व्यक्तिगत या जनप्रतिनिधि उसको मार रहे थे ऐसा, मकान तोड़ने दौड़े? भाई मैंने पूछा, काफ़ी घबराए हुए थे। मैं फिर उनको पूछी क्या हो गया सीएमओ साहब ऐसे करके, तब उन्होंने बताया कि कुछ लोग मुझे भीड़ भाड़ में काफ़ी वाद विवाद किए, धक्का मुक्की किए और पीछे मेरे सर पे पत्थर लगा हुआ है करके। मैंने खुद चोट को मैंने भी खुद देखा। और कैसा टाइप का चोट है मैम उसका सर पर? भाई खून निकल रहा था, उनके सर पे पत्थर लगा हुआ था। अच्छा, ब्लड से मतलब पत्थर से उसको मारे या सिर पर चोट लेकर ऐसा है? कौन मार गया सीएमओ साहब नहीं बताया क्या? वहाँ पर किसी को देखा होगा ऐसा, किसी का नाम? उन्होंने किसी दिलीप दुबे का नाम लिया था सीएमओ साहब ने। वहाँ पर मैम ये तोड़वाने गया था मकान, उस दौरान एक घटना हुआ, आपने देखा गाड़ी में भागते हुए आए, तो वहाँ पर भीड़ को किसी को पहचान पाए क्या? नहीं, काफ़ी भीड़ थी और अंधेरा भी थोड़ा सा हो गया था, तो मैं सडनली भीड़ की समझ में ही नहीं आया।
कौन लोग थे घर के? ऐसा लगा यहाँ पर बड़ी घटना घट सकती है, इसलिए आप दूर भागा कर इसको ले गए? जी जी, कुछ भी बहुत बड़ी घटना हो सकती थी क्योंकि काफ़ी भीड़ भी थी और सीएमओ साहब के पीछे काफ़ी लोग दौड़ते हुए आ रहे थे। अगर दो मिनट भी अगर लेट से आती तो उनके साथ कुछ भी अनहोनी प्राणघात घटना। जी सर, प्राणघात घटना हो सकता है। जी जी, मारपीट आगे मतलब घटना हो सकती थी। आपका परिचय मैम? परिचय नमिता मार्कोले, तहसीलदार बिलाईगढ़।